गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम आपके सामने, अभी आप देख सकते हैं, यह है गुड़हल का पौधा। और तो आज हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, हम आज उस टॉपिक पर बात करेंगे जो हमने आपको बताया था कि जो हमने बैगन की जो प्रूनिंग करी थी, तो उससे हमें आज हम आपको बताएंगे कि उससे हमें क्या रिज़ल्ट मिला है, उससे हमें क्या अच्छा मिल रहा है, हमने क्यों प्रूनिंग करी थी और किस लिए करी थी, कैसे करी थी और उससे हमें क्या क्या लाभ हुआ है, हम वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए चलते हैं उधर, देखते हैं जो बैगन के पौधे हमने उधर रखे हुए हैं। तो उसमें जो हमने कटिंग करी थी, अभी उसमें पत्ते आने लग गए हैं, थोड़े थोड़े नीचे से जो हैं आने लग गए हैं, तो आइए हम आपको उधर दिखाते हैं। हाँ, ये जो हमने कटिंग करी थी पहले, उसका रिजल्ट ये आपके सामने रहा। जैसे इसके दो ब्रांच पहले थे, दोनों ब्रांच हमने काट दिए थे, ये वाला भी और इधर ये वाला भी। अब इसके जड़ से ही ब्रांच जो निकल रही हैं, बहुत सारी ब्रांचें हैं इसमें। देखो आप, एक ब्रांच ये साइड से है, दूसरी ब्रांच ये आ रही, और कम से कम 8-10 ब्रांचें हैं जिससे निकल रही हैं। और दूसरी मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका यहीं से फ्लावरिंग चालू होगी। अभी नए वर्ड से जो आ रहे हैं यहाँ पर फ्लावर का है, इसको जूम करके दिखाओ ज़रा, ये वाला, इसमें यहीं से फ्लावरिंग चालू हो रही है। और दूसरा इधर से देखेंगे तो इधर इसमें भी फ्लावरिंग यहीं से, अभी नए वर्ड आ रहे हैं, यहीं से फ्लावरिंग चालू होगी। अब इसको जब बड़ा होते जाएगा तो ये यहीं से फ्लावरिंग करके अपना फ्रूट यहीं से देना चालू कर देगा। और जितने ब्रांच आ रहे हैं, सब ब्रांच अच्छे आ रहे हैं, और इनके कितने अच्छे पत्ते इनके हो चुके हैं, देखो फर्स्ट क्लास अच्छे हो चुके हैं। और इनके करने का फ़ायदा ही बहुत अच्छे होते हैं कि अगली बार जो हम, ये हमने 1.5 साल का पौधा था, ज़्यादा जितने पौधे हमारे हमने कटिंग कर रखी है, सब प्रूनिंग करी है, इनकी छटाई करने का फ़ायदा यही है कि 1.5 साल पहले को हमने इस पर अच्छी तरह से बैगन लिए हैं, बहुत सारे बैगन हार्वेस्ट करें, उसकी वीडियो आपने पहले देखी होगी, बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। हाँ, अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो आप दोबारा देख सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में दोबारा से वो लिंक आपको दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा यही नहीं, दूसरे भी हमारे दूसरे पौधे हैं, उस पौधे को भी आपको दिखाऊँ। ये पौधा है, इसमें भी अच्छी सारे ब्रांच निकल आए, कम से कम इसमें भी 7-8 ब्रांच हैं। अभी नीचे से और ब्रांचें आ रही हैं, और ये पत्ते जितने अच्छे खिले हैं, कोमल कोमल से पत्ते लग रहे हैं, बहुत अच्छे पत्ते लग रहे हैं। इसको आगे जाके अगर आप, फिर हम इसका वीडियो बनाएंगे, फिर दोबारा दिखाएंगे कि जितनी भी कटिंग हमने करी, इनमें 3-3 ब्रांचें थी पहले नीचे से ही। अब जो नए हमने कटिंग करने के बाद जो ब्रांच आ रही है, बहुत अच्छी ब्रांचें हैं। आप भी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन नए पौधे में एकदम से ना करें, हम एक दो बार उन पर कम से कम 1.5 साल के बाद चोर में एक बार अपना फ्रूटिंग ले लो, फ्रूट ले लो, उसके बाद जब पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फल देना कम कर देता है, उस टाइम में उसकी प्रूनिंग कर दो। इस स्पॉट में जो है एक एक तुलसी का पौधा अपने आप उगा हुआ है, अभी अपने आप बड़ा भी हो गया, अभी इसको भी ट्रांसप्लांट करेंगे हम किसी और ग्रो बैग में या कोई गमले में डालेंगे इसको, बहुत अच्छा इसकी ग्रोथ है। अभी एक श्यामा तुलसी है, बहुत अच्छी तुलसी है, इसके पत्ते हम चाय में इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये सर्दी जुकाम बुखार के लिए भी इसके पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इनका काढ़ा बना के पी सकते हो, चाय में डाल के पी सकते हो, बहुत अच्छी तुलसी है। ये तुलसी के पौधे मैंने बहुत सारे लोगों को दिए भी हैं और बहुत तारीफ भी करते हैं इस पौधे की। ये भी दूसरा पौधा है जो इसकी भी प्रूनिंग करी हुई थी। इन सब जितने भी पौधे थे, इनसे हमने बहुत सारे बैगन खाए, हमने आपको अपडेट दी भी है पहले, बहुत सारे बैगन एक ही पौधे पे कम से कम 10-12 पौधे एक ही बार में, एक बैच जो निकलता था, एक बैच में कम से कम 10-12 हमें बैगन हार्वेस्ट करने को मिले, और दूसरे बैच में भी सेम वैसे ही हाल था। इनमें कम से कम हमने बहुत सारे हमने इनमें से बैगन हार्वेस्ट करे थे,
कम से कम 1.5 साल से ऊपर ये पौधे पुराने हो गए थे, हमने इनकी प्रूनिंग इसलिए करी। आप लोग अगर उसको प्रूनिंग करना चाहें तो अगर 1.5 से 2 साल पुराना आपका पौधा है तभी प्रूनिंग करें, अगर नया पौधा है तो प्रूनिंग ना करें। कटाई छटाई करने का फ़ायदा यही होता है कि दोबारा से ग्रोथ करने चालू कर देता है, और उसको कटिंग करने के बाद दोबारा उनमें खाद और दे दो, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया और गोबर की खाद हो गई। इसी तरह से आप जैसे सरसों खली 1 चम्मच एक पौधे के लिए काफ़ी है, सरसों की खली को या तो घोल के आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हो इनमें खाद के तौर पर, या फिर पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हो। पहले मिट्टी को पूरा हिला लो, पूरा हिल जाए मतलब पूरी ऐसे गुड़ाई टाइप की कर लो सरसों की खली में ला के, उसमें फिर दोबारा से इसको पूरा मिक्स करके, मिक्स करने के बाद इसमें ऊपर से पानी दे दो। और जब भी खाद दे तब दो तो खाद ज़्यादातर शाम के टाइम में दे दो, शाम के टाइम में इससे बड़े बढ़िया रहता है। शाम के टाइम आप खाद दो तो रात भर अपना सेट हो जाता है, सुबह के टाइम में दोबारा अपना धूप में सही से ग्रोथ करना फिर चालू कर देता है। अभी हमें इसमें सरसों की खली थोड़ा बहुत मात्रा में डाल रखी है, ज़्यादा नहीं डाला, लेकिन ये भी रिजल्ट आपके सामने है। अब ये ग्रोथ करने चालू कर दिए, कुछ ही दिनों के बाद ये फिर बड़े हो जाएंगे, फिर दोबारा इनमें फ्लावरिंग जैसे उसमें आ रही है तो फ्लावरिंग आना चालू हो जाएगा। मैं अभी इनमें फ्लावरिंग में क्या मैं भी रहने नहीं दूंगा, जब थोड़ा ग्रोथ इनके ऊपर हो जाए तो इनमें फ्लावरिंग फिर होने दूंगा। ये भी उस साथ में मैंने प्रूनिंग करी थी, इसकी छटाई भी साथ में करी इन पौधों की, मगर इसका मैं अभी ब्रांच निकल तो रही है, छोटी छोटी ब्रांच निकल रही हैं, मगर उतना इसका ग्रोथ नहीं हो पाया जितना ग्रोथ उनकी हुई है। हो सकता है इसमें भी कुछ फर्टिलाइज़र की कमी हो, खाद की कमी हो, तो इसमें मैं दोबारा से खाद दूंगा। ये दोबारा जो खरपतवार इसमें निकल रहे हैं, खरपतवारों को हम निकाल देते हैं ऐसे ही, इसको हम रहने नहीं देते, जो कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं खाद में, जितने भी तत्व पाए जाते हैं ये खा जाते हैं, इसलिए खरपतवार को हम ज़्यादातर इसमें से निकाल ही देते हैं, रहने नहीं देते। ऐसे और पौधे भी हैं, उन पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो रखी है, वो पौधे भी आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, दो पौधे इसमें हैं, इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसमें भी अच्छे ब्रांच आ रहे हैं। ये भी जो छटाई हमने करी थी, एक ये है एक ये रहा, दोनों में अच्छे हो रहे हैं, मगर अभी कुछ दिनों में ये भी बड़े हो जाएंगे, इसकी अपडेट फिर से हम देंगे आपको। इसमें मैंने कुछ चौड़े पत्ते वाली काली राई जो डाली होती है, चौड़े पत्ते वाले साग सरसों का साग जैसा होता है वो डालिए, ये सब जर्मिनेट हो चुके हैं। जब तक इनके ऊपर ब्रांचें निकलते तब तक ये दोबारा इसमें साग हो जाएगा हार्वेस्ट करने लायक। इसी प्रकार ये भी आगे लगे हुए हैं, इनकी चटाई सब साथ में करी हुई है, इसकी भी देखो कि बहुत अच्छे ब्रांच निकलाई है, ये सारी ब्रांचें और भी छोटी छोटी और निकल रही हैं, इसमें भी वैसी सेम है सारी ब्रांचें हैं, इसमें भी सारी ब्रांचें निकलाई है, इतनी सारी ब्रांच हैं, इसकी भी अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन इसमें अभी कम दिख रही है, हो सकता है इसमें कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो, तो इसको दोबारा मैं इसमें कुछ डालूँगा अभी खाद वगैरह, फिर दोबारा ये भी ग्रोथ करेगा। और ये भी बहुत अच्छा हो रखा है इसमें, क्योंकि मिट्टी भी अच्छी है और इसका गमला भी बड़ा है, इसकी भी अच्छी ग्रोथ है, इतने बहुत सारी ब्रांचें हैं, हम देखो कितनी अच्छी खिली हुई है, बहुत अच्छे पत्ते निकल आए। तो गाइस यही थी आपकी इसकी अपडेट, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए आगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए भी हैं उनको सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए ज़रूर हमारे वीडियो को देखें। तो गाइस ये जो जानकारी दी है सारी वो मेरे पापा ने दी है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें, आपका सपोर्ट हमारे साथ है।
इस तरीके से आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लोगों का प्यार है हमारे साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।